दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत फलक बिना अनुमति ही लगाए जाते रहे हैं। मनपा प्रशासन की अनदेखी से इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा था। इस विषय पर ध्यान देते हुए दो दिनों से मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग की ओर से मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत दो दिनों में ही रिकॉर्ड 450 अवैध फलक हटाए गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश महासचिवों की घोषणा की है, जिसमें 5 महासचिव नियुक्त किए हैं, जिसमें अकोला जिला भाजपा के अध्यक्ष तथा अकोला पूर्व के विधायक रणधीर जी सावरकर का भी समावेश किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर सभी ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना ताई प्रदीप मुदिराज के मार्गदर्शन में घरगुती गणपति सजावट स्पर्धा का आयोजन गीता नगर सहित प्रभाग क्रमांक 18 के नागरिकों के लिए किया गया था, जिसमें 193 परिवारों ने सहभाग लिया। इनमें से विजेताओं को बख्शीश सहित सम्मान पत्र दिए गए। अर्चना ताई मुदिराज द्वारा ली गई इस स्पर्धा की सभी जगह प्रशंसा की जा रही है। एक माह पूर्व अकोला मनपा आयुक्त के बनवेले को लेकर जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। ऐसा न करने पर आयुक्त निवास खाली करने के निर्देश दिए। पश्चात मनपा का सार्वजनिक निर्माण विभाग आवश्यक खानापूर्ति पूरी करने में जुटा हुआ है, जो बरसों से पूरी नहीं की गई। अकोला महानगर पालिका के अधिकारी तथा याचिकाकर्ताओं ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के समक्ष जनता बाजार की जगह को लेकर अपना अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों के साथ चर्चा कर उनकी आपत्तियां व दलील दर्ज की गई। अब सबकी नजर निर्णय पर टिक गई है। सामान्य नागरिकों की शिकायतें आवेदनों पर रास्ता निकालने के लिए जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्र नेता से राष्ट्रपिता सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के भीतर नागरिकों के प्रलंबित आवेदन हल करें, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने सभी संबंधित विभागों को दिए हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में अभियंता दिन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अभियंता समेत कुलसचिव के अलावा अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अपने योगदान से देशांतर्गत अभियांत्रिकी के पैर मजबूत करने वाले भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन देश में अभियंता दिन के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार को घोषित किए गए सीईटी परीक्षा में अकोला की छात्रा शरयू देशमुख ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय में 100 परसेंटाइल अंक हासिल कर राज्य में अव्वल स्थान पाया है। शरयू की सफलता ने शिक्षा क्षेत्र में अकोला के दबदबे पर फिर मुहर लगा दी है। शरयू देशमुख शेगांव की है और पढ़ने के लिए अकोला आई। उसने सीईटी में 100 परसेंटाइल अंक पाकर अकोला का गौरव बढ़ाया है। मृत तेंदुए की खाल को फिर से ठिकाने लगाने का प्रयास किए जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आया है। हरकत में आए वन विभाग द्वारा गुरुवार 15 सितंबर को शाम तक खाल का पंचनामा की प्रक्रिया आरंभ की गई। वन विभाग के अधिकारियों का फिलहाल यही कहना है कि पड़ताल की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव से 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए राज्य में राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में यात्रा मुफ्त कर दी गई है। योजना के आरंभिक सप्ताह 26 अगस्त से 31 अगस्त की अवधि में अकोला विभाग के अंतर्गत आने वाले 9 डिपो से 12,335 बुजुर्गों द्वारा मुफ्त यात्रा किए जाने की जानकारी है, जिसका यात्री किराया 7 लाख रुपए है। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज चैनल, न्यूज पेपर, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और दिव्य हिंदी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। दिव्य हिंदी से जुड़े रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।